अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अली जाट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हैकर टीवी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से जो है एक नया ऐप बना सकते हैं। आपका कोई फेसबुक पेज है या फिर आपका कोई यूट्यूब चैनल है या फिर आपकी कोई वेबसाइट है, आप उसके लिए एक जो है ऐप बना सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने नाम की एक गेम बनाएं और उसको तो दोस्तों के साथ शेयर करके अपने सब दोस्तों को हैरान कर दें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही कमाल की है, आपने इसको लास्ट तक देखना है, आपने इसको स्किप नहीं करना। तो आज जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप इस तरीके से अपने मोबाइल में कोई भी ऐप बना सकते हैं, वो भी अपने नाम का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल हैकर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक वेबसाइट है उसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आपके जो मोबाइल का ब्राउजर है आपने उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है आपने ऊपर लिखना है appgeezer.com, ठीक है। तो एक वेबसाइट आ जाएगी, आपने इस पर दबाना है जो ये आपके सामने शो हो रही है। तो जैसे ही आप जाएंगे तो इसका इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो देखें जी, लिखा हुआ क्रिएट नाउ फॉर फ्री, आपने यहाँ पे दबाना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे दबाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो लिखा हुआ है क्रिएट ऐप टू अर्न, क्रिएट ऐप टू ग्रो। यहाँ पे आप जो वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं जो है ना सिलेक्ट करूँगा टू अर्न, ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करूँ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट है तो आप उसके लिए वेबसाइट को चूज करें, या फिर आप यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, फोटो एडिटर, मोबाइल टीवी, फाइंड टीवी, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। वो आपकी मर्जी है कि आप किस टॉपिक पर जो है ऐप बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई गेम है या कोई ऐप है या कुछ भी है, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो अब देखें जी, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, मैं भी कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। मैं सिलेक्ट करता हूँ वेबसाइट को, ठीक है। जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो उस वेबसाइट की लिंक है वो आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है। मैं अपने चैनल की लिंक दे देता हूँ, ठीक है। तो आपने वो लिंक जो है वो कॉपी करनी है। आपका कोई चैनल है या कोई भी आपका फेसबुक पेज है या फिर आपकी कोई भी वेबसाइट है तो आपने जो उसकी लिंक है वो आपने कॉपी कर लेनी है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद जो है आपने उस वेबसाइट पर आके जो है पेस्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने गो पर दबा देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जो थीम है वो रेड, पर्पल, कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारी लिंक है ये चेक हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कोई भी जो ये येलो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी रंग पसंद करता है रंग चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम दबाएंगे कस्टम, ठीक है। और यहाँ पे हम जो वर्डप्रेस ब्लॉग यहाँ कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, ये आपकी आगे लिंक। उसके बाद जी ये स्लाइडर आप यहाँ पे कौन सा रखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, कोई भी आप रंग जो है आप यहाँ रख सकते हैं। एक्शन बार यस आपने यहाँ पे कर देना, उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना, ठीक है। तो देखें जी, आपने जो इसका नाम लिखना है वो यहाँ पे आप लिखना है। मैं लिख देता हूँ हैकर टीवी, क्योंकि ये मेरी एक चैनल का लिंक है। उसके बाद आपने इसको कर देना है नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐप नेम, यहाँ पे जो आपकी डिस्क्रिप्शन है आपने वो लिखनी है। यहाँ पे आप जो मर्जी लिखेंगे, जो भी आपकी मर्जी, मैं लिख देता हूँ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आइकन है वो आप अगर चेंज करना चाहिए आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी यहाँ पे लगा सकते हैं। या फिर डिफॉल्ट आइकन उसका ये होगा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वो आपकी मर्जी है कि यहाँ पे आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, कौन सा आप रखना चाहते हैं। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना, ठीक है। तो ये हमारे साथ कुछ हो गया। अब वो पूछ रहा है कि दोबारा कुछ चीज़ आपने चेंज करी, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कोई भी, मतलब नाम आपने चेंज करना है या फिर वही नाम रखना है। अगर सब कुछ ओके है तो आपने इसको दबा देना क्रिएट पर, ठीक है। तो जैसे ही आप दबाएंगे यहाँ से आपने उसको साइन अप करना है, ठीक है। गूगल से कर लें, किसी से भी आप जो कर सकते हैं। तो यहाँ से किसी भी अकाउंट से आपने उसको साइन अप कर लेना, ठीक है। और साइन अप करने के बाद जो है तो देखें जी, ये कह रहा है वेलकम टू डैशबोर्ड, यहाँ पे आपने स्किप कर देना, ठीक है। यहाँ से जो भी आप करना चाहें,
तो फ्रेंड हमारा जो ऐप है वो तो गया है बंद, अब हमने करना है इसको डाउनलोड। तो ऊपर देखिए आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस पर दबाना है ठीक है। और यहाँ पर दबाने के बाद जो देखें आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है अब यहाँ पे दबाना है ठीक है। अब इसको पब्लिश भी कर सकते हैं, तो उसके बाद आपने इसको ओके कर देना। अब ये जो हमारा ऐप है ये डाउनलोड हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। तो देखें ये जो हमारा ऐप है ये बन चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप उसको लाइक कर लें, और अभी तक आपने मेरा चैनल हैकर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।